बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं अहमद खान, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद खान। दोस्तों इस मुश्किल दौर में, दोस्तों बहुत ही महंगा और मुश्किल दौर है, आप अपने लिए गंदम की खरीदारी जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये दौर जो है इसमें आप देख रहे हैं कि आटे के लिए इस सर्दियों में इस बार कितने बढ़िया लाइनों में लगना पड़ा और कितना आटा मुश्किल में मिला आदमी को। दोस्तों जरूर आप गंदम जरूर खरीदें अपने बच्चों की खातिर, दोस्तों मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों की खातिर प्लीज गंदम इस पर जरूर खरीदें, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, ताकि अब तो आपके पास मौका है, आपको 3000 मिले, 4000 मिले, 5000 तक भी मन मिले आप लेकर रख सकते हैं। दोस्तों जो आगे हालात हैं, पाकिस्तान की हुकूमत पर कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, क्यों किसी बार किसी की हुकूमत आ जाती, किसी बार किसी की हुकूमत आ जाती, हम इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि हम हमारी कोई इतनी बड़ी सपोर्ट नहीं है, हम रोजगार बड़ा नहीं है, हम ताजी यानी कि मजदूरी करने वाले लोग हैं, तकरीबन पाकिस्तान के मुल्क समेत ये हम सारी मजदूरी करने वाले हैं, ताकि हमें कोई ना कोई अमदाद तो नहीं मिलती, ना कोई सपोर्ट करता है, हमारे रकबे या जमीनें तो नहीं है। दोस्तों प्लीज इस बार जरूर अपने बच्चों की खातिर गंदम रखें, गंदम खरीदारी जरूर करें, गंदम कम अज कम 10 से 20 बोरियां दोस्तों अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए लेके रख लें। दोस्तों किसी इलाके से भी हैं आप, जिस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं, जहां भी हैं दोस्तों, एक मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, प्लीज दोस्तों महसूस ना कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी फायदे के लिए दोस्तों, मुझे अपने इंशाल्लाह कोशिश है कि जो भी दोस्त को मेरा मशवरा अच्छा लगे, इंशाल्लाह अपने बच्चों की खातिर, अपनी आसानगी के लिए दोस्तों इस बार 10 या 12 जितने भी आपकी औसत है अपने नम खरीद करके रख लें, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम आने वाले वक्त में कोई भरोसा नहीं है, ताकि आपके पास सपोर्ट हो, ताकि आपके पास अपने बच्चों के लिए खुराक यानी कि आटा होना जरूरी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंशाल्लाह सर जी आपसे मिलते रहेंगे, इंशाल्लाह ऐसे मुलाकात होती रहेगी दोस्तों, मिलते अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।